नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक टॉपिक पे डिस्कशन करूंगा जो कि काफ़ी वाइडली अब सर्कुलेट हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा फोकस इस पे आ रही है। तो पैंडेमिक का टॉल हम सब पे गिरा है, कोई पर्टिकुलर ग्रुप पे नहीं, लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे बहुत ज़्यादा हार्म किया है, बहुत ज़्यादा सुसाइड रेट उनमें बढ़ रहे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम अब बैठ कर इस बारे में सोचें कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए और उसको कैसे स्टॉप किया जाए। तो देखिए, जब कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट आता है तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट एनवायरनमेंट में आता है, उसे कल्चरल शॉक मिलता है, फाइनेंशियली वो स्ट्रेस में हो सकता है, वो उसका एक्सप्लॉयटेशन बहुत ईजी है जो कि हो रहा है, और वो बहुत सारे स्कैम्स का भी शिकार होता है। तो ऐसे में लोनलीनेस और ये बहुत सारे फैक्टर्स बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस क्रिएट कर सकते हैं, उनके घर वालों की एक्सपेक्टेशन बहुत सारा, हर एक केस डिफरेंट है। तो ऐसे में ये ट्रेंड बढ़ते जा रहा है, तो आई थिंक यहाँ पर कुछ डेफिनेटली किया जाना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे मन में है कि इमिग्रेशन जो है स्पाउस ओपन वर्क परमिट की, उस पर गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि लोनलीनेस भी एक फैक्टर होता है। तो अगर कोई स्टूडेंट है और उसके मन में ऐसे ख्याल आ रहे हैं और उसने अपने स्पाउस के लिए फाइल किया और काफ़ी लंबे टाइम से पेंडिंग है, तो ऐसे में अगर ये एप्लीकेशंस को क्लियर कर दी जाए और स्पाउसेस साथ में रहें तो लोनलीनेस एड्रेस हो जाएगा और बहुत कुछ एड्रेस हो जाएगा। आपको बहुत बहुत सारे मुश्किलों के समय क्या चाहिए, कि किसी अपने का साथ चाहिए जो आपके साथ आपकी सिचुएशन शेयर कर सके, जो भी हो, अच्छी बुरी सिचुएशन जो भी। तो यहाँ पर आई थिंक गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। मैं लिंक आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप पूरा इसे पढ़ लें। धन्यवाद दोस्तों।